और ये शॉर्ट बॉल, लेकिन फील्डर मौजूद, देखते कैच हो पाता है कि नहीं। और ये कैच ड्रॉप करते हुए फील्डर, एक अच्छा मौका बना था मंगल को आउट करने का, जो कैच आसानी से ले सकते थे उसे वह थोड़ा मुश्किल बना दिए और कैच ड्रॉप हो गया। आज के इस इनिंग की शुरुआत वाटर टैंक एंड से की जाएगी, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। स्ट्राइकर एंड पर है अलहान मुर्मू और नॉन स्ट्राइकर एंड पर है तपन। तो गाइस, जो भी हमारे इस लाइव सेशन में लेट से जुड़े हैं, आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस आज का जो मैच हो रहा है, यह इंटर जेडीसी क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का फाइनल मैच है और यह मैच खेला जा रहा है LD3 वर्सेस सप्लाई चेन। सप्लाई चेन ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है और यह पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 4 रन बिना किसी नुकसान पर। एक सदी हुई शुरुआत दोनों टीम के लिए कहा जा सकता है, जहां LD3 कोई विकेट नहीं गवाए, वहीं सप्लाई चेन सिर्फ 4 रन दिए हैं अपने पहले ओवर में। दूसरी ओवर डालेंगे स्कोर एंड से SP सिंह। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है दोनों स्ट्राइकर के पास का अपने रूल के लिए, चाहे वो तजम्मुल हो या SP सिंह, इन दोनों गेंदबाजों के कंधों पर बहुत जिम्मेदारी थी और उस जिम्मेदारी को जब भी निभाया अपनी टीम को यहाँ तक पहुँचाया है। और काफी अच्छी शॉट ऑफ साइड में खेल दी, यानी कि फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को और इसी के साथ स्कोर हो गया 5 रन बिना किसी नुकसान पर। और यह शॉर्ट बॉल, लेकिन ऑफ साइड में खेल दिए, सिर्फ 1 रन मिलेगा, फील्डर मौजूद है और स्कोर हो गया 6 रन बिना किसी नुकसान पर। सटीक लाइन एंड लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज। और ये शॉर्ट बॉल, लेकिन फील्डर मौजूद, गेंद हवा में और ये आसानी से कैच करते हुए और इसी के साथ LD3 ने अपना पहला विकेट गवाया और काफी अच्छा कैच लेते हुए और इसी के साथ पहला विकेट गवा दिए LD3 ने। मात्र 6 रन के स्कोर पर पहला विकेट गवाते हुए LD3 की टीम।
और इसी के बीच नए बल्लेबाज ग्राउंड में बैटिंग पर आते हुए जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने डिपार्टमेंट में अपने ग्रुप में बॉल पॉइंट के क्षेत्र में खेल दिए हैं, निखिल फील्डर मौजूद, सिर्फ एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। और अगले गेंद को लेकर आते हुए गेंदबाज और हल्के हाथों से खेल दिए हैं बॉलर के तरफ, निकल कोई रन नहीं और अभी भी स्कोर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर LD3। और ये शॉर्ट बॉल, लेकिन फील्डर मौजूद, सिर्फ एक रन ही मिलेगा और इसी के साथ स्कोर हो गया 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दो ओवर की समाप्ति पर LD3 ने 1 विकेट के नुकसान पर 8 रन बना लिए हैं। काफ़ी धीमी शुरुआत और अगले ओवर लेके आए हुए हैं गेंदबाज तिजुमुल और ये फुल टॉस बॉल, लेकिन फील्डर मौजूद और ये मिस करते हुए फील्डर और एक कैच छोड़ दिए फील्डर जो कैच होना चाहिए था और एम्पायर का इशारा 4 है। और एम्पायर ने इशारा 4 रन के लिए जीवन दान अदनान मुर्मू को और 4 रन, अदन मुर्मू को जीवन दान मिल गया है और स्कोर हो गया इसी के साथ 12 रन और इसी के साथ लॉन्ग रन में खेल दिए हैं बल्लेबाज 1 रन के लिए और स्कोर हो गया 13 रन। और ये फुल टॉस बॉल, लेकिन मिस टाइम करते हुए बल्लेबाज और कीपर का अपील है स्टंपिंग का, देखते हैं अंपायर क्या इशारा करते हैं और एम्पायर ने यह नकारा, एम्पायर का इशारा नॉट आउट। और एक काफी अच्छे स्लोअर यॉर्कर ब्लॉक हॉल में गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज और गेंद हवा में, फील्डर मौजूद, देखते हैं कैच ले पाता कि नहीं और ये कैच और इसी के साथ दूसरा विकेट का पतन LD3 का, इसी के साथ दूसरा विकेट का पतन होते हुए। शानदार कैच आनंदित था, एक बार फिर अपने गेंदबाजी का जौहर दिखाते हुए गेंदबाज का सम्मान।
अपने टीम के लिए वो बेस्टिंग के विकेट हासिल किया। तो इस पूरे टूर्नामेंट में लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे बल्लेबाज सूरज, और वो अब प्रवचन किया चलते हुए धीमे धीमे कदमों के साथ नए बल्लेबाज आउट होते के साथ में ही। इसी के बीच बल्लेबाजी में आए मिहिर कुमार। और लेग साइड में खेलते हैं बल्लेबाज मिहिर एक रन के लिए, और आसानी से एक रन पूरा करते हुए बल्लेबाज, और इसी के साथ स्कोर हो गया 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 14। 3 ओवर की समाप्ति पे 14 रन, अच्छी कमबैक गेंदबाज तसम्मुल की, काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए सप्लाई चेन की टीम LD3 को पूरी तरीके से दबाव में रखे हुए हैं। और काफी अच्छा ड्राइव करते हुए लेकिन फ्रेंड गेंद में जब रोका और कोई रन नहीं। और अगली गेंद लेके आते हुए गेंदबाज और खेल दिए स्टेट में, फील्डर मौजूद, सिर्फ एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। और फिर से ग्राउंड शॉट, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग का मुजारा पेश करते हुए गेंदबाज अपने फॉलो थ्रू में, और लगातार प्रेशर बनाए हुए LD3 की टीम को। ये चौथे ओवर चल रहे हैं, निखिल रन मात्र अभी तक 16 रन बना हुआ है। और ये शॉर्ट बॉल, लेकिन बल्लेबाज सही नसीहत नहीं दे पाए, और ये डॉट बॉल। और फिर से एक शॉर्ट बॉल, लेकिन फील्डर मौजूद, लेग क्षेत्र में खेल दिए हैं, सिर्फ एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। और इस ओवर की आखिरी गेंद सामने करेंगे मिहिर, और यह पूरी तरीके से बीट होते हुए निकले, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। एक अतिरिक्त रन पर इजाफा होता है, हाँ बढ़िया, आइए 17 रन दो खिलाड़ी क्या होने के बाद ग्रुप में शेयर कर दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ग्रुप में शेयर कर दीजिए, लाइव चल रहा है, काफी दबाव में खेल रही है LD3 की टीम। चौथे ओवर का लास्ट गेंद और मात स्कोर अभी तक बना है 16 रन, काफी अच्छा गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज। और गेंद हवा में, फील्डर मौजूद, और एम्पायर का इशारा आना बाकी है, देखा जाए क्या होता है। थोड़ा सा अगर गलती करते फील्डर तो ये 6 रन था, लेकिन काफी अच्छा फील्डिंग का मुजारा पेश करते हुए फील्डर, और
इसी बीच तीसरा विकेट का पतन होते हुए LD3 की टीम का एक और शानदार कैच, एकदम बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर सटी विकेट, थोड़े से बाहर हो गया बढ़िया प्रदर्शन, अच्छा कैच। आउट होने वाले बल्लेबाज ने आज के फाइनल मुकाबले में अपने टीम के लिए मंगल मुर्मू मंगल और इसी के बीच बैटिंग में आ गए हैं मंगल मुर्मू। चार ओवर की समाप्ति पर 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर और इसी के साथ बैटिंग में उतर गए हैं मंगल मुर्मू। चल रहा लाइव और पांचवे ओवर रनिंग में गेंदबाजी करने आए गेंदबाज और खेल दिए लॉन्ग रन के क्षेत्र में बल्लेबाज, सिर्फ एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। बल्लेबाज की क्रीज से बाहर रखते हुए गेंदबाज अपने गेंद को ईसीसी वाला ग्रुप में सेंड कर दीजिए, ईसीसी वाला नीतीश को फॉरवर्ड कर दीजिए। और ये ऑफ साइड में खेल दिए मंगल, फील्डर मौजूद, सिर्फ एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। काफी अच्छी गेंदबाजी का मुजारा पेश करते हुए सप्ला चेन की टीम, पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और उसको सही साबित करते हुए उनके गेंदबाज और उनके क्षेत्ररक्षक। और ये शानदार शॉट निकल, फील्डर मौजूद, फील्डर से थोड़ी दूर पर बॉल गिर गई, नहीं तो कैच होने का संभावना था। काफी अच्छा फील्डिंग का मुजारा पेश करते हुए क्षेत्ररक्षक। और ये छठे ओवर प्रगति पर है और रन मात्र, और ये शॉर्ट बॉल और पॉइंट के क्षेत्र में खेल दिए चार रन के लिए। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज मंगल। और काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज, जो भी इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने ग्रुप, अपने डिपार्टमेंटल ग्रुप साथियों में शेयर करें ताकि जो नहीं आ सके मैच देखने के लिए ग्राउंड में, वह घर बैठे और डिपार्टमेंट प्लांट में बैठे मैच को देख सकें। पांच ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 26। पांच ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कीपर चेंज बॉल देगा तो नो बॉल देगा, जो ब्लू कलर की जर्सी में खेल रहे हैं बैटिंग LD3 की टीम है और व्हाइट कलर के जर्सी में जो फील्डिंग कर रही है सप्ला चेन की टीम है। और जो इस लाइव सेशन में लेट से जुड़े उनको बताना चाहता हूं कि सप्ला चेन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था और उनके गेंदबाजों ने काफ़ी हद तक इसे सही साबित किया अभी तक, और पूरी तरीका से दबाव बना के रखे हुए LD3 के बल्लेबाजों पर। सपोर्ट किए उस दिन, दबा ले लिया आप लोगों को, दबा आज मिलेगा,
और काफी अच्छे गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज और अपने पहले गेंद पर बल्लेबाज को बोल्ड कर दिए, क्लीन बॉल्ड, काफी सुंदर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज। तो खासा दर्शकों से लबालब ये स्टेडियम, करीब 1,00,000 और दर्शकों को कुछ टेक्निकल इशू हो रही होगी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको रिस्टोर करने का क्योंकि यहाँ का जियो का नेटवर्क कुछ खास नहीं है। और ये शॉर्ट बॉल बल्लेबाज खेल दिए लेग साइड में, निकल फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। अभी बल्लेबाजी एंड में मंगल मुर्मू गेंदबाज का सामना करते हुए और काफी अच्छे गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज ब्लॉक हॉल में कोशिश करते हुए और काफी अच्छे बैटिंग का मुजारा पेश करते हुए मंगल। और ये शॉर्ट बॉल, लेकिन फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा फील्डर बल्लेबाज को, काफी चुस्त फील्डर। और ये फुल टॉस बॉल, फील्डर मौजूद, देखते कैच हो पाता है कि नहीं, और एम्पायर का इशारा नो बॉल, एम्पायर का इशारा है नो बॉल, हालांकि काफी अच्छा कैच लिए थे फील्डर लेग साइड में। और इसी बीच हमारे बीच आ गए हैं संजय सर, ऊपर से फायदा हुआ ना, और पूरी तरीके से दबाव बना के रखे हुए सप्लाई चेन LD3 की टीम को, अभी तक उभर नहीं पाई LD3 की टीम। और गेंद हवा में, फील्डर मौजूद, और यह विकेट गवाते हुए LD3 की टीम, लेकिन यह फ्री हिट था, लेकिन यह फ्री हिट था। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज, और यह फुल टॉस बॉल खेल दिए कवर के क्षेत्र में, निकल फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। पास में राहुल की चाय, और इस बीच ओवर की समाप्ति, और आप सभी को बताना चाहते हैं कि हमारे साथ 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 33। और अभी मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारे साथ हमारे कमेंट्री बॉक्स में ऋषभ जी भी हैं, और ऋषभ जी आप फाइनल मैच के दौरान आप लोग आइए, आप लोग मैच का लुत्फ उठाइए, बहुत ही अच्छा संघर्ष वाला मैच चलता है। LD3 की टीम बहुत ही टफ टीम मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर LD3 पर खासा शिकंजा कसकर रखा हुआ है सप्लाई चेन की टीम ने, सप्लाई चेन ने चेन बांध दिया है, सप्लाई चेन जरूरी समझेंगे हम कि यहाँ पास में राहुल शॉर्ट बॉल और खेल दिए कवर के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा, जिसका आनंद आप उठा सकते हैं। इस ठंड भरी मौसम में चाय पीजिए और मैच का आनंद उठाइए, हमारा झारखंड का फेमस झालमुड़ी भी यहाँ पर अवेलेबल है, सब कुछ फ्री में है, अगर आप लाइव मैच का आनंद ले रहे हैं तो सब कुछ फ्री में है, आप लोग आइए, ये यहाँ पर फ्री मिल रहा है फाइनल मैच के दिन। और काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज घुमा कर मारना चाहता, बल्लेबाज पूरी तरीके से बीट
होते हुए, लेकिन चारों खाने चित बल्लेबाज, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी सप्लाई चेन के खिलाड़ी के द्वारा। जो भी दर्शक हमारी इस लाइव वीडियो में जुड़े हुए हैं, और उनको मैं बताना चाहता हूँ कि सप्लाई चेन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था और उनके गेंदबाजों ने काफी हद तक यह सफल सही साबित किए हैं। चाय भेजो दीपक जी, चाय का इंतजाम है यहाँ पर ग्राउंड में, भेजने का कोई यहाँ पर सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ग्राउंड में आइए, ग्राउंड में चाय भी मिलेगा, साथ में बिस्किट भी मिलेगा। वो दीपक हमारे दोस्त हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कमेंट किया है। देखिए 15 की चाय में अगर 35 रुपए का डिलीवरी चार्ज लगे तो फिर चाय चाय नहीं रह जाती है। और गेंद हवा में, फील्डर मौजूद, देखते हैं कैच ले पाता है कि नहीं। और ये दो फील्डर के बीच में गेंद गिरी है और यह एम्पायर का इशारा है 4 रन। ये गेंद पकड़ानी चाहिए थी, खराब क्षेत्र रक्षण का नजारा पेश करते हुए। दीपक जी को मैं स्कोर अपडेट करना चाहता हूं कि 5 ओवर के समाप्ति पर स्कोर था 33 रन और यह 6ठा ओवर रनिंग में है। यह समाप्त होते ही मैं आपको अपडेट करता हूं। और एम्पायर का इशारा वाइड बॉल, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज, बहुत बढ़िया। संतोष, चादर बदली हो जाएगा। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 41-41 चार विकेट के नुकसान पर। उठा लीजिए चादर, उठा लीजिए। स्कोर कितना हुआ? 7 ओवर की समाप्ति पर 41 रन स्कोर LD3 का। अच्छा 7 ओवर। तो दीपक जी स्कोर अपडेट इस प्रकार है कि 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 41 रन। रनों की गति में थोड़ा सा इजाफा होता हुआ, नहीं तो खासा शिकंजा कसा हुआ था सप्लाई चेन की टीम में, टीम ने। और ये कवर के क्षेत्र में खेल दिए मंगल और आसानी से 2 रन पूरा करते हुए बल्लेबाज। गुनगुने मैच में। ओके दीपक जी, बहुत बढ़िया, और काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज, कूलर लेंथ और काफी तेज गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज। माफ कीजिएगा, गुनगुने धूप में इस मैच का आनंद लेना बहुत ही सुकून दे रहा है दर्शकों को, खिलाड़ियों को। और ये 9 जनवरी से चल रहे टूर्नामेंट का फाइनल मैच आज। और ये लेग साइड में खेलते हैं, कोई फील्डर मौजूद नहीं, देखते हैं लेग साइड का फील्डर उसको रोक पाते हैं कि नहीं। और ये काफी अच्छा फील्डिंग का मुजारा पेश करते हुए फील्डर, और उतने ही रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छे LD3 के बल्लेबाजों द्वारा, और 2 रन आसानी से पूरा करते हुए बल्लेबाज। आठवीं ओवर प्रगति पर है, 7 ओवर में 41 रन बना लिया था LD3 की टीम ने। दर्शक खासे उत्साहित, सपोर्टर फैंस खासे उत्साहित फाइनल मैच को लेकर। और ये शॉर्ट बॉल, लेकिन पूरी तरीके से बीट होते हुए बीट किया बल्लेबाज, गेंदबाज ने बल्लेबाज को। बताना चाहेंगे दर्शकों को कि अभी तक ये 8वां और प्रगति पर है, पर एक भी छक्का नहीं लगा है, तो कह सकते हैं कि अच्छी बॉलिंग, अच्छी फील्डिंग और काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज ले डाउन होते हुए वापस पेवेलियन लौटते हुए बल्लेबाज। एक और सफलता सप्लाई चेन की टीम को, बहुत ही अच्छी बॉलिंग
काफी अच्छी बॉलिंग का मुजहरा पेश करते हुए सप्लाई चेन की टीम के द्वारा सभी दर्शकों को नाश्ते का भी प्रावधान दिया गया है। आप आए, आप डब्बा लें, आप खाएं, आप एंजॉय कर सकते हैं। ड्यूटी है तो ड्यूटी छोड़ दीजिए, गेट पास लेके आइए। फाइनल मैच है, इसके बाद सीधे अगले ही साल आपको मैच देखने का मौका मिलेगा। ये आठवें ओवर प्रगति पे है और स्कोर है 45 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पूरी तरीके से सिकंजा और लेग साइड में खेल दिए हैं बल्लेबाज, लेकिन कोई मौका नहीं रन लेने का। पूरी तरीके से दबाव में खेल रही है LD3 की टीम। आखिरी 12 गेंद शेष बची हुई है पहले इनिंग के समाप्त। 8 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 46। आठ ओवर की समाप्ति पर 45 रन। तो बताना चाहेंगे कि सप्लाई चेन के जो कैप्टन हैं निखिल माहेश्वरी जी, काफी कूल एंड काल्म कैप्टन माने जाते हैं। इनमें महेंद्र सिंह धोनी की छवि भी अक्सर देखने को मिल जाती है, बहुत ही कूल रहते हैं और बेहतरीन कप्तानी का नजारा पेश करते हुए वो बोल रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि हम हैं, आप लोग बस सपोर्ट करो अपने खिलाड़ियों को, अपने साथियों को ये आग्रह कर रहे हैं। और काफी अच्छा गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज निखिल, और इसी बीच रन आउट होने की संभावना और एम्पायर का इशारा रन आउट, और एम्पायर का इशारा रन आउट। एक और विकेट गिरता हुआ यहां पर और LD3 की टीम का LD3 का छठा विकेट का पतन होते हुए। कहते हैं कि कैच छोड़ा तो मैच छोड़ा, लेकिन कैच छोड़ने के बाद, वैसे ये कठिन कैच था, कैच छोड़ने के बाद क्षेत्र रक्षक ने रन आउट कर दिया है। मिस फील्डिंग में हमेशा ये बना रहता है कि रन आउट होने के चांसेस हमेशा क्रिएट होती है। अगर कोई मिस फील्डिंग करता है और अगर आप सही से सजग नहीं है और रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैन का सही नहीं है तो रन आउट होने की संभावना हमेशा रहती है। दिग्विजय कॉल कर रहा है, बात कीजिए इसको। और ये शॉर्ट बॉल, लेकिन फील्डर मौजूद, देखते कैच हो पाता है कि नहीं, और ये कैच ड्रॉप करते हुए फील्डर। एक अच्छा मौका बना था मंगल को आउट करने का, जो कैच आसानी से ले सकते थे उसे वह थोड़ा मुश्किल बना दिए और कैच ड्रॉप हो गया। जरूर 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 दीपक। ऑन माइक, काफी दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग लगभग 3.5 कप चाय पीने के बाद अंदर एंटर हुए हैं। सुबह और इसी के बीच जो स्कोर अपडेट आया है LD3 का 50 रन पूरा हो चुका है और गेंद हवा में फील्डर से दूर, देखते फील्डर ले पाता है कि नहीं और यह मिस करते हुए फील्डर। ठंड भरे मौसम में अगर चाय मिल जाए तो क्या ही बात है। तो
इस लाइव प्रसारण का पूरा श्रेय आप आनंद भैया को दे सकते हैं। जो दर्शक सामने हैं वो तो है ही, लेकिन जो किसी कारणवश मैदान में आ नहीं पाए हैं मैच को देखने के लिए, तो उन्हें लाइव मैच देखने का मौका मिल रहा है। और आप सभी को बताना चाहते हैं, ये 9 ओवर समाप्त हो चुका है और स्कोर है 52 रन 52 रन 6 विकेट के नुकसान पर। जो दबाव शुरुआती ओवरों में बनाए थे सप्लाई चेन ने LD3 पर, वो आखिरी ओवर तक कायम रखे हुए हैं। अगर LD3 को अपना जो स्कोर है एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाना है, तो एक इस आखिरी ओवर में कुछ बड़े बड़े शॉट की दरकार है। अभी तक इस इनिंग में एक भी छक्का नहीं गया है। मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को कि अभी तक इस इनिंग में एक भी छक्का नहीं गया है। और यह शॉर्ट बॉल थर्ड मैन की एरिया में खेलते हैं बल्लेबाज, फील्डर मौजूद, और यह 2 रन होने की संभावना। और काफी अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि LD3 की टीम गत वर्ष की विजेता थी, तो क्या ये अपना टाइटल डिफेंड कर पाएगी, ये देखने लायक होगा। और दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो LD3 की आखिरी उम्मीद है मंगल, वह अभी क्रीज पे मौजूद है। उनसे उम्मीद होगी कि कुछ बड़े बड़े शॉट लगाए। और गेंद हवा में, फील्डर मौजूद, और ये काफी अच्छा कैच लेते हुए फील्डर काफी अच्छा कवर किए पूरे एरिया को, और बहुत ही अच्छा कैच लेते हुए फील्डर। और इसी के साथ जो आखिरी उम्मीद थी LD3 का मंगल, वो आउट होके वापस पेवलियन जाते हुए। अभी तक जिस तरह का खेल का मुजारा पेश किए हैं सप्लाई चेन ने, लगता नहीं है कि LD3 ये भूल पाएंगे कभी कि उनका सामना किससे हुआ है। इस वर्ष से पहले सप्लाई चेन की टीम अंडर केप्ड मानी जाती थी, लेकिन इस वर्ष उन्होंने एक अलग ही नजारा पेश कर दिया है, अलग ही प्रतिभा दिखाई है, अपने प्रदर्शन का लोहा मनवाया है। और इसका पूरा श्रेय इनके कैप्टन माहेश्वरी जी को जाता है, और साथ ही साथ जो युवा खिलाड़ी कर रहे हैं। और इसी के साथ लेग साइड में खेलते हुए बल्लेबाज निकल, फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। काफी जो इनके फील्डर है काफी चुस्त, काफी एनर्जेटिक। गिनती के 3-4 गेंद ही बचे हुए हैं इस ओवर में पहली इनिंग के लिए, एक भी छक्का नहीं लगा है, ये दुखद है LD3 के लिए। और ये कवर के क्षेत्र में खेल दिए हैं, निकल फील्डर से दूर, काफी अच्छा। और यह हम छक्के की बात कर रहे थे, छक्का तो नहीं लगा मगर चौका, एक चौका मिला LD3 की टीम को। और आखिरी गेंदों में अगर इस तरह कुछ बाउंड्री निकल जाते हैं तो रन रेट में अच्छा खासा इजाफा नजर आएगा। धीरे धीरे दर्शकों की संख्या में भी इजाफा होता हुआ, बैठने की जगह नहीं मिल पा रही अब सभी को। 1,07,353 दर्शकों का काउंट हो गया है। और काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज, और इस प्रकार से पूरे 10 ओवर समाप्त होते हुए अभी हम स्कोर पता कर रहे हैं 10 ओवर में कितना रन बना है LD3 की टीम की तरफ से, अभी अनाउंस किया जाएगा। 58-59 होगा, 60 है, 61 to win। जीतने के लिए 61 रन की जरूरत है 10 ओवर में। तो यहाँ पर
डेढ़ से दो मिनट का ब्रेक होगा, तब तक हम चाय का लुत्फ उठा के आ रहे हैं। 60 रन और सप्लाई चेन को जीतने के लिए 61 रन बनाने की जरूरत है। हम लोग चाय का लुत्फ उठाने जा रहे हैं, चाय की सुविधा फ्री में उपलब्ध है। और इसी बीच हमारे कमेंटेटर आपके सामने आते हुए, और थोड़ा सा बताइए क्या गलती की LD3 की टीम, इनका स्कोर इतना कम क्यों गया? शुरू से उनका डिफेंसिव अप्रोच था, बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव अप्रोच, जैसा हम लोग देखते हैं 2 से 3 बार इस टूर्नामेंट में ऐसा हो चुका है कि डिफेंसिव अप्रोच के कारण टीम हार गई है। एक मैच हम A2A फर्नेस के बारे में बताना चाहेंगे, डिफेंसिव अप्रोच ले लिया था तो हार गई। उतना भी ज्यादा 10 ओवर के मैच में डिफेंसिव अप्रोच नहीं होना चाहिए, उतना धीरे नहीं खेलना चाहिए, शुरू से कुछ लीड बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद LD3 वर्सेस LD2 के मैच में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। अरे बहुत 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 सही है, बहुत बढ़िया बढ़िया बोल रहे हो। अब देखते हैं आगे किस प्रकार की बॉलिंग करती है, किस तरह से रनों पर लगाम लगाती है, किस तरह से रनों पर लगाम लगाती है LD3 की टीम, क्या ये अपना टाइटल डिफेंड करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरी पारी की शुरुआत होने में कुछ समय लगने वाला है, जुड़े रही है। कोई भी अगर मैच में आना चाह रहे हो दूसरी इनिंग देखने के लिए तो बेशक आ सकते हैं, आप यहां पर आकर भी अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, मनचाहे टीम को सपोर्ट कर सकते हैं। माइक पकड़िए, थोड़ा कॉल आ रहा है। दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि ये गेंदबाजी का फैसला किए थे सप्लाई चेन ने, और उनका जो निर्णय था वो उनके गेंदबाजों ने सही साबित किया। पहले तो ग्राउंड में औस थी और 10 मिनट का चालू करेंगे, आप रेस्ट ले सकते हो। बॉल जो है ग्राउंड में थोड़ा रुक के आ रही थी, इससे क्या हुआ कि बल्लेबाज को समझने में दिक्कत हुआ, और उनके LD3 के बल्ला पूरा साथ दिए हैं और पूरे टीम में जोश थी और पहली बार वो फाइनल में पहुंचे हैं वो देखने को मिल रहा था। संजय जी, हमारे मैनेजर कोच हसन जी, हमारे चीफ कोच वासु जी, हमारे ओके कुलदीप जी, मैं कोशिश करूंगा उनका नाम और बॉलर का नाम बताऊं। एक्चुअली कमेंट्री बॉक्स में हम लोग के पास उनका जो लिस्ट है वो लिस्ट नहीं पहुंचा, इस वजह से हम लोग नहीं बता पा रहे हैं। चीफ आए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से। आपको रिक्वेस्ट है कि आप मंच पे आइए सर, मन से मैच का मजा देखने का ही कुछ अलग। तो चीफ साहब को रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मंच पे आइए। और सब बढ़िया ना? बढ़िया। और इसी बीच ग्राउंड में हमारे चीफ गेस्ट साहब आ चुके हैं। और थोड़ी ही देर में सेकेंड इनिंग का लाइव प्रसारण आपके सामने होगा। प्रिडिक्शन तो हम लोग नहीं ना बोल सकते प्रिडिक्शन, लेकिन स्कोर थोड़ा कम है, अब देखा जाए। 15 रन कम है, और अगर फील्डिंग यहाँ से देखा जाए तो 10 रन ज्यादा दिया है, और 50 तक रोक सकता था।